नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। जानेंगे यहाँ पे ताजा बड़ी अपडेट आ रही है हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर, जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों से संबंधित भी ताजा अपडेट जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाली बड़ी खबर ईवीएम को लेकर ही आ रही। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव नतीजे पलटे, ईवीएम खुली, बैलेट के बाद कांग्रेस पिछड़ी और बीजेपी को बहुमत मिला। अब यहाँ पे आ रही है बड़ी खबर, वोटिंग से पहले कई ईवीएम के मॉक पोल डेटा को डिलीट नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट निकल के आई है। वोटिंग से पहले मॉक पोल कराया जाता है और उसमें सभी उम्मीदवारों के वोट डाले जाते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन वहाँ डिलीट नहीं किया गया। 32 वोटों से हारने के बाद कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह का विस्फोटक खुलासा। दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। कांग्रेस बोली कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में लगातार शिकायतें आ रही थीं कि यहां ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए। वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया उनकी बैटरी 60-70% थी और उन ईवीएम और यहां पर वह ईवीएम निकली वहां से कांग्रेस पार्टी जीती। दोस्तों, स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि ईवीएम बदली गई थी इसीलिए 99% बैटरी चार्ज निकली। अगर ईवीएम मशीनें इस्तेमाल हुई होती तो यह बैटरी चार्ज नहीं होती पूरी, 60-70% तो बैटरी रह जाती। लेकिन दोस्तों, देख सकते हैं ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं करते, कहना है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का। भाजपा की स्थिति हरियाणा में इतनी अच्छी थी कि कांग्रेस को नहीं दिखी। हरियाणा जा रहे स्वतंत्र पत्रकारों को भी वहाँ स्थिति नहीं दिखी। हरियाणा के लिए सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों को स्थिति नहीं दिखी। गोदी मीडिया भी इस बार धोखा खा गई क्या? खुद मोदी जी को भी यह स्थिति नहीं दिखी, उन्होंने भी रैलियां कम की, रोड शो नहीं किए, उनके चेहरे पे चुनाव भी नहीं लड़ा गया। यहाँ तक कि नतीजे आने से पहले जनता को भी यह नहीं मालूम था कि बीजेपी जीतेगी। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया यूजर्स की तमाम प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत यहां पे बोले हैं, जी हां, हरियाणा के चुनाव नतीजे समझ में ही नहीं आ रहे हैं, समझ से परे हैं। जनता भाजपा को वोट नहीं दे रही है, लेकिन वोट कहां से आ रहे हैं? इससे ईवीएम पर भारी संदेह पैदा होता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी बात कही। इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने बोला दोस्तों कि यह अप्रत्याशित है, कोई भी यहाँ पे एग्जिट पोल एक तरीके से सही साबित नहीं हो पाया, यह कैसे हो सकता है? एक ना एक एग्जिट पोल तो कांग्रेस की हार दिखाता, लेकिन एक ने भी कांग्रेस की हार नहीं दिखाई, सभी कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन हार कांग्रेस की हुई। यहाँ पे चिंता का विषय है, कांग्रेस को इसमें जरूर ही उचित कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग से मिलना चाहिए। देख सकते हैं चुनावी विश्लेषज्ञ योगेंद्र यादव ने बड़ी बात कही है। दूसरी तरफ दोस्तों, चुनाव आयोग की दो टूक, कह दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें पूरी तरीके से बेबुनियादी हैं। सूत्र बोले बैटरी नतीजों में संबंध नहीं। जी हां दोस्तों, पूरी अपडेट बताते चाहे चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। जहां एक तरफ बैटरी फुल चार्ज निकल रही थी ईवीएम की, वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव ही नहीं है और बैटरी का फुल होना नतीजों से संबंधित नहीं है। देख सकते हैं अपना पल्ला चुनाव आयोग झाड़ चुका है। हरियाणा के नतीजे जमीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत हैं। जयराम रमेश बोले, हम हारे नहीं, हरवाए गए। ये यहाँ पे ताज़ा अपडेट आई है। राकेश टिकैत तो भड़क गए, बोले गड्ढे में चला जाएगा ऐसे तो देश। राकेश टिकैत की बड़ी प्रतिक्रिया निकल के आ गई। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी से इतनी नाराज थी फिर भी उसी की सरकार बनी, पता नहीं यह कैसे हो जाता है। राकेश टिकैत बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश गड्ढे में चला जाएगा। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री बोले हैं कि हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं, हमें कई जगहों से शिकायतें मिली, चुनाव आयोग से मिलेंगे, हम कई सीटों पर मामूली अंतर से हारे, हमें कई जगह शिकायतें मिली हैं, नतीजे चौंकाने वाले हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी यह बड़ी बात कही है। दोस्तों, हरियाणा में जहां बीजेपी की लगी हैट्रिक, फिर भी सैनी सरकार के 8 मंत्री बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष ने गवाई अपनी सीट। जी हां, हरियाणा में भाजपा ने भले ही हैट्रिक लगाई हो और तिकड़म करके कामयाब हो गई हो, कुछ सीटें हाथ से निकल गई जिस पर पार्टी के दिग्गज नेताओं को मौका दिया गया था। इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो नायब सिंह सैनी सरकार के 10 में से 8 मंत्री अपनी सीट गवा बैठे। ऐसी स्थिति में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है,
लेकिन दोस्तों बीजेपी में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां पे घमासान मचता हुआ दिख रहा है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हर एक बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।